अम्मी मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हाँ तेरी बहू देखने जा रही हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इतनी प्यारी सिस्टर इतना काम करती है। हाँ मेरी इन्हें ठोक दे के बाने चली है मकोका कितड़ा दा झुंडे यों दे वे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, उस पे तो भाई 23 हो चुके हैं, उस पे 30 करा दो या 50 करा दो वो आपके ऊपर है। मैं एक चीज आपको बहुत दिनों से दिखाने वाला था लेकिन भाई मैं दिखा नहीं पा रहा, तो अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको बस। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आओ मेरी आईडी पे भाई, फिर करो फॉलो। ओ पहले फॉलो मत करो, चलो पहले फॉलो ही कर लो यार, आप पहले फॉलो कर लो फिर इसके अंदर जाओ। और भाई यहाँ पे देखो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप सब ज्वाइन आओ भाई। यहाँ पे ना मैं अपनी सारी बात बात करता हूँ बिल्कुल भाई, जैसे आपसे पर्सनली बात हो सकती है, मैं अपने व्लॉग व्लॉग भी बेहतर रहता हूँ। और भाई जो पहले वीडियो आती है ना, देखो पहले वीडियो भेज देता हूँ कि कल का व्लॉग ये होने वाला, तो आपको पहले पता चल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से भाई इस पे ज्वाइन हो भाई, अभी 1100 बंदे आ चुके हैं, अभी इस पे से जल्दी से जितने फॉलोवर्स है ना इतने ये करा दो। ये हूर की आईडी भाई मुझसे भी ज्यादा तेज निकल लिया भाई, इसके 30 के 30,300 हो चुके हैं, इस पे भी भाई 50 के करा दो। ये छोटा सा काम था, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर दो। हमारा मोटू बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पे, उल्लू पुल्लू उल्लू अब नहीं सीखेगा। अभी भाई का मुंह बनना, और मुंह क्यों बनना, क्योंकि भाई का चिकन नहीं आया अभी तक। और हो चोटी हो रही, और हुर्री को चोटी हो रही, अल्लू तुझे काट लेगी, काट लेगी, कहाँ कहाँ से आता है। एक तो भाई इसकी पता नहीं रहती ना, कभी देखो भाई छत पे भाग जाता, कभी कहीं भाग जाता, तो इसलिए इसके लगती रहती है। और इसे निला दिया था जब इतना गोरा गोरा लग रहा है। यहाँ पे सिस्टर कर दी है सफाई काम वाली, जल्दी जल्दी सफाई कर दे। यहाँ पे मम्मी बना रही है खाने में दाल चावल, और अभी दाल लेकर आया था मैं। हो ये कैसा कलर हो चुका है ये, ना बनने तो इतना नीचे चलते हैं। मैया इतनी गर्मी, अरे भाई ये तो हालत खराब कर देगी। तो भाई मैं तो गोदाम के अंदर लेता हूँ, यहाँ छाए और बाहर धूप, भाई ये धूप इतनी तगड़ी है ना, बस पूछो। नमाज का टाइम भी हो चुका है, हमने भाई वजू भी कर लिया, मैंने जा नमाज भी ले लिया, चलो जल्दी से चलते हैं नमाज पढ़ने। और भाई आपको बता, हम तो बाहर ही पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भाई, धूप हो रही, हालत खराब है। नमाज पढ़ के आ चुके हैं और हालत डाउन हो चुकी है भाई, इतनी गर्मी लग रही थी ना इसके, तो भाई ऐसे पसीने बह रहे थे जैसे कि नहारा खड़े खड़े हुए, लेकिन भाई नमाज पढ़ ली। एसी का वो है साइड इफेक्ट, एसी का साइड इफेक्ट है, जो ज्यादा एसी में रहते हैं ना ज्यादा पसीने आते हैं। यहाँ पे घर पे आ चुके हैं और अम्मी ने बनाए थे दाल चावल। अम्मी कौन सी चावल डालती है, खड़ी मसूर की, मुझे तो दिख रही है खड़ी। हाँ जो मसूर की दाल से पसंद नहीं बैठा, हाँ तो गर्म रहती है, इसलिए मैंने गर्म ना बनाई, इतने में कल इसके दिमाग को गर्मी चढ़ी। अच्छा गर्मी में ठंडी खानी चाहिए, तो चलो जल्दी से खाते हैं। मेरे साथ हो चुका है बहुत गंदा पोपट, और वो पोपट क्या हो, पोपट वो ये हो चुका है, देखो ये मेरी चप्पल भाई, पिछले जुम्मे को लाया था और आज भी जुम्मा, ये देखो अलग। तो भाई अभी अम्मी नमाज पढ़ ली है, फिर चप्पल लेने चल रहे, चप्पल भाई अब कहना अच्छी सी लाऊंगा, बताओ यार देख रहा हूँ बीच में सी अलग हो गई, ये रही अभी ना बीच में ही फाड़ दूंगा, लेकिन पहले चप्पल लाऊंगा जब फाड़ो। भाई निकालते हैं अपनी कल्लो जल्दी से और चलो। अरे अरे मुझे तो लग रहा भाई ये वहां तक जाएगी भी नहीं, लटक गई है, कोई बात नहीं इस पर रख के ले चल रहे हैं। सबसे पहले चप्पल लेते हैं और फिर चलेंगे छत पे, क्योंकि भाई 16 अगस्त है ना, हम छत पे भी नहीं गए, और हमारे पे हमारी इतनी सारी पतंग भी पड़ी है थोड़ी बहुत, भाई उन्हें भी उड़ा लेंगे, और भाई एक साल बाद ही उड़ानी होगी। देखो अभी मैंने ये चप्पल देखी है नाइक की, भाई ये है वन पीस, भाई टूट नहीं सकती है, लेकिन छोट आ गया, बड़ा डाल के देख लेता हूँ, वन यही वाला सही रहेगा, बड़ा आ गया, बड़ा बड़ा वाला पहन का ये वाली डन कर देना, कमेंट कर देना कैसी लग रही है वाली। तो भाई मैंने यही फेंक दिया, तो लद्दन निकली है तेरे, बताओ बेकार है अपनी ये वाली, सही है, देखते हैं भाई अब कितने टाइम तक तो चलती है। जल्दी चला ले छत पे जाना भाई, देख रहा हूँ अंधेरा हो जाएगा, फिर पतंग नहीं उड़ा पाएंगे अब। हमारी 15 अगस्त की देख बनवाई थी ना भाई, वो ना भाई इतने दिनों से ना भाई इसके घर पे थी, वो तो जिसे गाड़ी पे रख के अब देख आएंगे, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा, तू पकड़ेगा, पकड़ उठा 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 जल्दी उठा ना उठा, हाँ निकल जाएगी गाड़ी तो उठा, आए 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 खाली है वैसे तल की है भाई, कैसा लग रहा देख पकड़ के भाई, कपड़े गंदे हो गए कपड़े, तो भाई मैंने तो उल्टा इसलिए बिठा दिया, क्योंकि अगर सीधा बिठाता ना तो मेरे कपड़े गंदे जाएंगे, अपनी सेफ्टी अपने हाथों है। अम्मी मेकअप करके कहाँ जा रही हो, हाँ तेरी बहू देखने जा रही हूँ, क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा मेरी बहू देखने आ रही हो, भाई बहुत अच्छी बात है, चलिए जाओ। हाँ देख लिया, तेरी पसंद हो तो बता दे। हाँ है गई, पसंद है गई, चल बाद में बताएंगे ना, लेकिन मैं वहीं से कर दूंगी, जाने तू कहेगा, लड़की ऐसी। अरे बहुत इज्जतदार है, बहुत इज्जतदार है, इज्जत करे। हाँ तुम्हारे पैर धोके पी लेगी, और नमाजी है सब है। हाँ हाँ 5 टाइम की नमाजी है, तुम्हारी खिदमत बहुत अच्छी से होगी, कुछ भी कोई बात नहीं, मिले ना मिले, लड़की चाहिए, लड़की से मतलब है ना, ठीक है लड़की से मतलब। और मेरी चप्पल कैसी है, चप्पल बढ़िया, चप्पल बढ़िया, चलो भाई हम हैं, चप्पल धो देगी वो, कमेंट करके बता देना, व्लॉग देखती हो बता देंगे कब सही है, चप्पल धो दोगे मेरी।
फाइनली हम सारा अपना काम खत्म करके छत पे आ चुके हैं और हमारी पतंग पत्नी भाई पतंग तो लिया जो भी तोड़ेंगे भाई पतंग अभी नीचे से लागा ना तोड़ेंगे। आज भाई मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है। 15 अगस्त पे भाई वाली छत पे ना पेड़ रखने की जगह नहीं थी। अब देखो यार बिचारी भाई पूरी खाली पड़ी हुई है छत पे। देखो सब बांध रहे, एक ये बंद रही, एक ये मेरी बन गई, तीसरी ये बन गई, चौथी अरसान बांध रहा, पांचवी वो बांध रहा और छठी देखो। अरे वाह भाई वाह, इसके कन्ने बांधने का स्टाइल। चलो भाई हम तो अपनी बढ़ाते हैं। तो हमारी पतंग कटी नहीं, बस टूट गई, कोई बात नहीं भाई, टूटती तो बहुत है लेकिन दूसरी बढ़ाते हैं। हमारे भाई की पतंग उड़ चुकी है फाइनली ये रही। और देखो भाई पतंग इतनी प्यारी चल रही है, इतनी प्यारी चल रही है, बस पूछो मत, बस तनी पड़ी हुई है भाई। अपने देखो यार लड़ाने के लिए कोई बंदा भी नहीं, तो भाई मैं देख रहा हूँ कोई बंदा लड़ाने आए, सिर्फ एक पतंग वहाँ उस साइड उड़ रही है। देखते हैं चलो भाई पेज कब होते हैं अपने। पतंग अपनी नीचे से उड़ दी और मैं ऊपर आके बैठ गया था, तो मैंने यूं ही पकड़ लिया क्योंकि अपनी पतंग है सबसे ऊपर और तनी पड़ी हुई है। और एक ये अपनी ये भी अपनी पतंग है और ये भी अपनी पतंग है भाई। मुझे लग रहा पब्लिक पे 15 अगस्त की ना पतंग खाली हो चुकी है, इसलिए कोई भी उड़ा नहीं रहा। हमसे कोई लड़ाने नहीं आया ना, तो भाई हम आपस में लड़ा लेंगे। अभी तुम्हारे भाई ने एक पेज काट दिया भाई, मैं चढ़ की चड्डी बांध रहा था लेकिन उन्होंने शकल देख लो तो भाई देखो ये शकल इसकी, आय हाय आटी पो। हाँ अभी पतंग अपनी टन्नी है। मैंने अभी उसी बंदे की ना दूसरी भी पतंग काट चुकी है भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा, हमारी पतंग इतनी बढ़िया चल रही है। देखो बताओ मैं क्या करता हूँ, यू ढील छोड़ता रहता हूँ, खुद ही खुद कटी जाती है। अभी देखते हैं और किससे लड़ाते हैं, उसकी भी काटेंगे। और पतंग वाले से लड़ानी खत्म हो चुकी क्योंकि और कोई पतंग उड़ा ही नहीं रहा, तो भाई देखो सन्नी वो उड़ा रहा है, तो मैं सन्नी से ही लड़ाने जा रहा हूँ। चलो सन्नी आ जाओ, आ जा आ जा आ जा। अरे काली वाली बड़ाली क्या करे, पहले लड़ाई जाए काटी जाए। अबे अब निकली क्या, क्या हो रहा है आतिप। सन्नी से मेरी बात सुन लिया कर भाई, जिसकी मैंने अभी तीन पतंग काटी है ना, उससे बेचारे ने इसने उसकी एक भी नहीं काट पाया। अब लिपेट तरो अब भी नहीं उड़ा पाओ। और इतनी प्यारी हवा चल रही है भाई, बस पूछो मत। और मैं ना भाई अभी रील बना रहा था, जिसको मेरी आगे रील देखनी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, रियान व्लॉग आईडी है। जल्दी से आके 30K फॉलोवर्स कराओ, अगर आपका मन 50K का कर रहा तो 50K भी करा देना। भाई को आ चुका गुस्सा, देखो नीली वाली पतंग है सन्नी को जिससे कटवाई है, उसकी काली वाली है काट दी क्या, अभी नहीं काटी भाई, अभी नहीं काटी, पूरी सांस पे मैच रुका पड़ा हुआ है सन्नी भाई। बस हारना नहीं है, हारना नहीं है। 1 2 3 खेद 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 अब तो खेद दे। अरे भाई हम समझ रहे कट गई, लेकिन अभी तो जिंदा है सन्नी की पतंग। कहा लेके आ रहा काचिपो, काट दी काट दी, इसी बात की तो खुशी है फाइनली एक पतंग तो काटी इनने। ये लड़का मुझसे कह रहा था भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, मैंने क्यों जा रहा नीचे, कह रहा वो करने आ रहा हूँ, मैंने की नीचे आने की क्या जरूरत है, मैंने तेरे लिए टॉयलेट मंगा रखा, वो भी इंग्लिश टॉयलेट मंगा रखा, बैठो आराम से, जिस जिसको करना आ जाओ लाइन से भाई, 5 रुपए पर बंदा लूंगा, सही है ना भाई, क्योंकि मैंने इस पे राज कर रखा, आ जाओ भाई 5 रुपए पर बंदा, जो करना कर लो। बहुत पतंग उड़ा ली और अंधेरा भी होने को आ गया, अजान भी हो गई, तो भाई इसलिए हम पतंग उड़ा ली, लेकिन ऊपर 2-3 बच्चों और पतंग उड़ाने, बच्चों को पतंग उड़ाने देते हम चलते हैं भाई, भूख भी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई घर से ही, वो घर से नहीं आज बाहर से खाते हैं, जरा मम्मी को सरप्राइज देंगे, मम्मी चिल्लाएंगी कि बाहर से क्यों भाई आज मैंने घर में बनाया, तो इतने बड़े बड़े जी ने ये हालत खराब कर देते हैं। सर मुझसे कह रही थी एक चॉकलेट लिया ना छोटी सी, लेकिन भाई मुझे ना, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चॉकलेट दे दूँ, इतनी सारी चॉकलेट दे दूँ कि उससे खाई नहीं जाए, तो भाई यहाँ पे बेकरी पा चुके हैं, अरसान भाई ये दे दूँ। अरे बहुत, अरे ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन भाई देखते हैं अभी कौन कौन सी चॉकलेट लेते हैं, और भाई दूसरी वो सिर्फ चीज जो जो अच्छी लगेगी वो ले लेंगे। मिस्टर को ना ब्राउनी बहुत पसंद है, तो हमने सोची भाई ब्राउनी निकलवा लेते हैं, अपनी जो ब्राउनी ली थी ना वाली भी पैक करा ली है, तो रोल निकलवा लिए स्विस रोल के ना, देखो भाई अलग अलग फ्लेवर है, चॉकलेट निकलवा लिया, स्ट्रॉबेरी निकालिए, डार्क फैंटेसी के बिस्कुट निकलवा लिए, सामान लेना था और वो मैंने ले लिया है। अब भाई ना भूख लग रही है, तो खाना खाना खा लेते हैं, जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने चिकन टिक्का लगवा दिया यहाँ पे, और अपना बन के भी आ चुका है, चलो भाई जल्दी जल्दी से खाते हैं, वैसे बहुत तेज भूख लग रही है। तो खा लिया, पेट हो चुका है एकदम बढ़िया, अब जो जिस सिस्टर के लिए सरप्राइज लिया था ना वो चलने घर पे देने, सिस्टर को एकदम से सरप्राइज देंगे। हेलो अम्मी, सिस्टर ने मुझसे यूं की थी भाई के एक चॉकलेट लिया लो, मैं इसके लिए कितनी सारी लेकर आया हूँ, खोल के देखो सिस्टर तुमने एक डेयरी मिल्क की थी, मैंने की चल भाई इतनी हमारी इतनी प्यारी सिस्टर है, मैंने बर्थडे को गिफ्ट दिया था ना,
और ये भाई की फेवरेट है भाई, ब्राउनी सबकी फेवरेट है। अरे अरे पिघल गई अम्मी, फ्रिज में रख देना, जब खाने से नहीं तो बेकार होएंगी। और सामान देखो सिस्टर खोल के। हाँ देखो, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी लेके आ चुका हूँ। और मैं देखो यहाँ दूसरा फ्लेवर भी देख, चॉकलेट का फ्लेवर खोल के लाओ। कैसा लगा सरप्राइज? तो भाई ये बहुत अच्छा लगा। तो भाई इस घर में सबकी फेवरेट है। चलो एक तो काम हो गया, फेवरेट छीन लिया। चलो भाई कमेंट बोल देते हैं, फिर व्लॉग भी एडिट करना। और नींद भी बहुत तेज आ रही है भाई। पहला काम जो विनर थे उनका नाम बता देता हूँ भाई, जैद खान, और दूसरा मिस्टर फरहान भाई। ये दोनों ने फर्स्ट कमेंट करी थी। और दूसरा कमेंट है गोल्डन वाइटी, आई लव यू रियान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपको स्कूल टाइम पर गली में आवाज भी लगाई थी, मैं वही हूँ। पता नहीं गली में आवाज लगाई थी, वो तो मैंने सुना नहीं, बस आपने लगा दी तो मैं सॉरी सुना नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिल देंगे, बाय बाय।